الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर आसिफ साइबर वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब करें। आमंतु बिल्लाह صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أعلى حضرت अजीम उल बरकत मुजद्दिदे दीन मिल्लत सुन्नियत की जान बरेलवियत की पहचान इल्म की चट्टान इश्क के इमाम इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतु व रिजवान बारगाहे रिसालत माब में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सुबह तैबा में हुई पड़ता है बाड़ा नूर का सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का अरे नूर दिन दुगना तेरा दे डाल सदका नूर का नूर दिन दुगना तेरा दे डाल सदका नूर का और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का अरे तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। आप हजरात काफी देर से यहाँ जमा हैं और मुझसे कबल आपने बहुत अच्छी अच्छी तकरीरें और बहुत अच्छी अच्छी नातो मुनकबत समात की। शायर इस्लाम मदाहे खैरुल अनाम आली जनाब फहीम अख्तर साहिब से और शायर इस्लाम आली जनाब आसिफ रजा कौसर बरेलवी से और मुझसे कबल आपने एक बेहतरीन तकरीर हजरत अल्लामा मुफ्ती नईमुल कादरी साहिब किबला से सुनी। मैं भी कुछ लम्हात के लिए यहाँ हाजिर आया और मुझसे कमेटी वालों ने ये कहा कि हजरत आज हम करबला के ताल्लुक से कुछ सुनना चाहते हैं। हालांकि ये महीना मुकद्दस महीना हमारे और आपके आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अजदादे करीम यानी हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम और हजरत इस्माइल अलैहि सलाम का है। लेकिन जिन्होंने फरमाइश की है मैं उनका दिल नहीं तोड़ूंगा क्योंकि हजरत हम जहां नबी से प्यार करते हैं हम जहां अपने आका से प्यार करते हैं वहीं पर जो नबी के दीवाने हैं वहीं पर जो हमारे आका के दीवाने हैं हम उनसे भी प्यार करते हैं हम अपने आका से भी इश्क करते हैं और जो हमारे आका से इश्क करते हैं हम उनसे भी इश्क करते हैं हम उनसे भी प्यार करते हैं क्योंकि हमें पता है हमें मालूम है हम जानते हैं हम मानते हैं कि हमारे नबी से जो प्यार करते हैं हमारे नबी के जो दीवाने हैं कसम खुदा की अगर वो अल्लाह वाले हमसे राजी हो जाएं बरेली के आला हजरत अगर हमसे राजी हो जाएं अजमेर के ख्वाजाए मिल्लत अगर हमसे राजी हो जाएं बगदाद के गौसे आजम अगर हमसे राजी हो जाएं करबला में इमाम हुसैन अगर हमसे राजी हो जाएं तो कसम से
नारे गौस मसलके आला हजरत बस्ती बस्ती करिया करिया मौलाना गुलाम नबी साहब क़िबला नारे तकबीर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हजरत हम और आज जिक्रे सरकार करने के लिए बैठे हैं। मैंने जो आयत करीमा पढ़ी इसके मुताल्लिक कुछ अर्ज करने की कोशिश करूंगा। झूम झूम कर बारगाहे रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक पढ़े। اللهم صل على سيدنا وشفينا وكريمنا ومبارك وسلم صلوا عليه صلاه وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم। हजरात मैं जानता हूं कि आप हजरात को काफी देर हो चुकी है, काफी वक्त हो चुका है, तकरीबन रात के 12:30 बज चुके हैं और आप हजरात अभी भी जिक्र नबी सुनने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, क्योंकि हम और आप नबी के आशिक हैं, नबी से इश्क कर करते हैं, नबी से प्यार करते हैं। अब जरा देखिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। अल्लाह फरमाता है ए महबूब आप फरमा दो, किससे फरमा दो, अपने चाहने वालों से फरमा दो, अपने मानने वालों से फरमा दो, अपने गुलामों से कह दो कि मैंने तुमको कुरान दिया, मैंने तुमको रमजान दिया, मैंने तुमको हज दिया, मैंने तुमको ज़कात दिया, मैंने तुमको ईमान दिया, इसके बदले में मैं तुमसे तुम्हारा घर नहीं मांगता, इसके बदले में मैं तुमसे दौलत नहीं मांगता, इसके बदले में मैं तुमसे शोहरत नहीं मांगता, इसके बदले में मैं तुमसे सोना चांदी नहीं मांगता, बल्कि ए मेरे गुलामों जो मैंने तुमको ईमान की दौलत दी है मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे घर वालों से मोहब्बत करो, मेरे घर वालों से प्यार करो। या रसूल अल्लाह आप फरमा रहे हैं हम आपके घर वालों से प्यार करें, या नबी अल्लाह आप फरमा रहे हैं हम आपके घर वालों से प्यार करें, आपके घर वाले कौन है, हम किनसे प्यार करें, हम किनसे इश्क करें, हम किनसे उल्फत करें। तो नबी फरमा रहे जब आयत मुबाहला नाजिल हुई तो मेरे आका ने हजरत अली को बुलाया, हजरत फातिमा को बुलाया, हजरत हसन को बुलाया, इमाम हुसैन को बुलाया और अपनी नूरी चादर को फैलाया और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज किया ए मौला मैं अली से मोहब्बत करता हूँ, ए मौला मैं फातिमा से मोहब्बत करता हूँ, ए मौला मैं हसन से मोहब्बत करता हूँ, ए मौला मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, ए मौला ये मेरे घर वाले हैं मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, लिहाजा ए मेरे मौला तू अली से मोहब्बत फरमा, तू फातिमा से मोहब्बत फरमा, तू हसन से मोहब्बत फरमा, तू हुसैन से मोहब्बत फरमा, और ए मौला केवल तू अली से मोहब्बत ना करना, केवल फातिमा से मोहब्बत ना करना, केवल हसन से मोहब्बत ना करना, केवल हुसैन से मोहब्बत ना करना, बल्कि ए मौला जो जो अली का दीवाना है, जो जो फातिमा का दीवाना है, जो जो हसन का दीवाना है, जो भी हुसैन का आशिक है, ए मेरे मौला तू उनसे भी मोहब्बत फरमा। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे गौस मसलके आला हजरत जिक्रे शहीद आजम हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम नबी साहब क़िबला नारे तकबीर जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत नबी ने फरमाया मेरे घर वालों से मोहब्बत करो, घर वाले कौन, हजरत अली नबी के घर वाले हैं, बोलिए जरा सुभान अल्लाह, हजरत फातिमा नबी की घर वाली हैं सुभान अल्लाह, हजरत इमाम हुसैन नबी के घर वाले, हजरत इमाम हसन नबी के घर वाले। अब सवाल ये होता है या नबी अल्लाह अगर हम अली से मोहब्बत करेंगे, अगर हम फातिमा से मोहब्बत करेंगे, अगर हम हुसैन से मोहब्बत करेंगे, अगर
अगर हम हसन से मोहब्बत करेंगे तो हमें इसके बदले क्या मिलेगा? क्या दौलत मिलेगी? क्या शोहरत मिलेगी? क्या खेतों खलिहान मिलेगा? क्या दुकानों मकान मिलेगा? क्या सोना चांदी मिलेगा? क्या अजमत और रिफत मिलेगी? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो अली की मोहब्बत में मरा, जो फातिमा की मोहब्बत में मरा, जो हसन की मोहब्बत में मरा, जो हुसैन की मोहब्बत में मरा, नबी ने फरमाया जो मेरे घर वालों की मोहब्बत में मरेगा वो ऐसे ही नहीं मरेगा। नबी फरमाते हैं वो मोमिन होकर के मरेगा। और इतना ही नहीं, नबी ने ये भी फरमाया जो मेरे घर वालों की मोहब्बत में मरेगा अरे वो शहीद होकर के मरेगा। पता लगा जो नबी से प्यार करता है, नबी के घर वालों से प्यार करता है, वो ऐसे ही नहीं मरता बल्कि शहादत का मर्तबा पाकर के मरा करता है। अब देखिए हजरत, अभी महीना आया नहीं, मुहर्रम का महीना नहीं, लेकिन जिक्र हम और आप तमाम अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत करते हैं। आज का मामला ये है, आज का वक्त ये है कि आज के इस पुरफितन दौर में बाप बेटे को याद करने को तैयार नहीं, बेटा बाप को याद करने के लिए तैयार नहीं, माँ बेटी को याद करने के लिए तैयार नहीं, बेटी माँ को याद करने के लिए तैयार नहीं, दादा पोते को याद करने को तैयार नहीं, पोता दादा को याद करने के लिए तैयार नहीं, नाना नवासे को याद करने के लिए तैयार नहीं, नवासा नाना को याद करने के लिए तैयार नहीं। ये हमारा और आपका हाल है कि आज हम ना तो बेटा अपने बाप को याद कर रहा है, ना बाप बेटे को याद कर रहा है, ना दादा पोते का जिक्र कर रहा है, ना पोता दादा का जिक्र कर रहा है। लेकिन बहारे हुसैन तेरी अजमतों को सलाम, बहारे हुसैन तेरी रिफतों को सलाम, बहारे हुसैन तेरी बुलंदियों को सलाम, बहारे हुसैन तेरी रिफतों को सलाम। अरे हुसैन को इस दुनिया से पर्दा किए हुए तकरीबन 1400 साल हो गए, हुसैन आजम करबला में आराम फरमा रहे हैं, हुसैन का जिक्र बरेली में हो रहा है, हुसैन करबला में है, हुसैन का जिक्र पीलीभीत में है, हुसैन करबला में है, हुसैन का जिक्र बदायूं में है, हुसैन करबला में है, हुसैन का जिक्र हिंदुस्तान में है, हुसैन करबला में है, हुसैन का जिक्र पाकिस्तान में है, हुसैन करबला में है, हुसैन का जिक्र जर्मनी जापान में है। अरे हुसैन करबला में है और हुसैन का जिक्र सारे जहान में है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, जिक्र शहीद आजम मौलाना गुलाम नबी साहब क़िबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज जहाँ देखो, जिस जगह देखो, हर गली में या हुसैन के नारे, हर कूचे में या हुसैन के नारे, हर मोहल्ले में या हुसैन के नारे, हर शहर में या हुसैन के नारे, हर मुल्क में या हुसैन के नारे, अरे पूरब में हुसैन के नारे, पश्चिम में हुसैन के नारे, उत्तर और दक्षिण में हुसैन के नारे, जहाँ देखो वहाँ हुसैन के नारे। मैंने पूछा ए हुसैन आजम तुम्हारा जिक्र सारे जमाने में कैसे फैल गया? तो हुसैन आजम फरमाते हैं अरे मैंने अपने नबी के दीन के लिए अपनी गर्दन को कटाया है और अपने नाना के दीन को बचाया। तो हजरत मेरे हुसैन का जिक्र आज जिसको देखो, वक्त का मौलवी कहे मेरा हुसैन, अरे आप भी बोलिए या हुसैन, और वंदावास से कहिए या हुसैन। जिसको देखो बच्चा कहे मेरा हुसैन, जवान कहे मेरा हुसैन, बूढ़ा कहे मेरा हुसैन, मौलवी कहे मेरा हुसैन, आलिम कहे मेरा हुसैन, मुफ्ती कहे मेरा हुसैन, मुसन्निफ कहे मेरा हुसैन, मुदक्किक कहे मेरा हुसैन, मुफस्सिर कहे मेरा हुसैन। जिसको देखो मुहद्दिस बोले मेरा हुसैन, मुजद्दिद बोले मेरा हुसैन, बरेली से आला हजरत फरमाए तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का, और क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, सहरा है गली जिसमें हुसैन और हसन फूल। बरेली से आला हजरत कह रहे हैं मेरा हुसैन पीलीभीत से शाजी
मियां कह रहे हैं मेरा हुसैन अजमेर से, ख्वाजा पिया कह रहे हैं मेरा हुसैन बगदाद से, गौसे आजम कह रहे हैं मेरा हुसैन, यही नहीं सिद्दीक अकबर कहे मेरा हुसैन, फारूक आजम कहे मेरा हुसैन, उस्मान गनी कहे मेरा हुसैन, मौला अली कहे मेरी आंखों का तारा हुसैन, हसन कहे मेरे दिल का उजाला हुसैन, फातिमा कहे मेरे दिल का चैन हुसैन, और हमारे नबी फरमाए हुसैन उम्मिली वाला मिलल हुसैन, जो हुसैन का वफादार है वो मेरा यार है, और जो मेरा यार है उस पर अल्लाह को प्यार है, और जिस पर अल्लाह को प्यार है वही जन्नत का दार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, जिक्रे शहीदे करबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।